11th क्लास स्टूडेंट्स, ये है हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2, लेसन नंबर 3 ऑफ 7th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू बोल, मींस कि एक फाइबर से कैसे बोल को तैयार किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर, वूल को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि जो शीप्स होती हैं उनको पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड इन टू वूल, उनके हेयर्स को काटा जाता है, काटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है उन पर प्रोसीड किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, हम आगे इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखो, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स मीन्स कि शीप्स को उनका जो पालन पोषण किया जाता है एंड उनकी ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या होती है कि उनकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वो करवाई जाती है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी सेपरेटर्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। स्टूडेंट्स ये जो प्लेसेस के नेम यहाँ पे दिए गए हैं हम वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि जो स्पैडर्स होते हैं वो अपनी शीप्स को ऐसे घाव वगैरह चराते हुए वहाँ पे नज़र आते हैं। वहाँ पे जो शीप्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पाई जाती है। स्पैडर्स क्या होते हैं? स्पैडर्स वो पर्सन होता है जो अपनी बेटों को वहाँ पे चराता है, उनकी देखभाल करता है। शीप्स आर हर्बिवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, जो शीप्स होते हैं वो शाकाहारी होते हैं एंड मोस्टली वो घास एंड लीव्स ही खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सिस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा जो शीप्स होती हैं वो पल्सिस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स वगैरह भी वो खाती हैं। इन विंटर्स शीप्स आर कैप्ट इन डोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर्स, मीन्स कि जब सर्दियाँ होती हैं सर्दियों के टाइम पे शीप्स को क्या किया जाता है, अंदर ही रखा जाता है और उनको ज़्यादातर जैसे लीव्स, ग्रेन्स एंड सूखा चारा जो होता है वही उनको खिलाया जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आर कंट्री फॉर बुल, शीप्स को हमारी कंट्री के बहुत आर कंट्री के बहुत पार्ट्स में जो है पाला जाता है, जैसे कि आप टेबल 3.1 में देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा टेबल 3.1, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ इन शीप, जो कि इन प्लेसेस पे यहाँ पे नेम ऑफ ब्रीड्स लिखा हुआ है, क्वालिटी कौन सी उनसे प्राप्त की जाती है, कौन सी स्टेट में वो मिलती है, आप यहाँ से ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम breeds of sheep reared in a country for producing wool, the quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table, means कि कौन सी क्वालिटी की उनसे वूल जो है प्राप्त की जाती है वो भी उस टेबल में मैंशन है। ये देखो, certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in लार्ज क्वांटिटी, कुछ ब्रीड्स जो होती हैं उनकी बॉडी पे जो होती है हेयर्स की कोट बहुत थिक होती है जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वूल की वो उनसे प्राप्त की जाती है इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनकी बॉडी से जो हेयर्स के वूल जो बनाई जा सकती है बनाई जाती हैं। एज मैंस्ड earlier these sheep are selectively bred which one parents being of sheep of good breed, तो ये हमें पहले ही उन्होंने बता दिया है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये जिन शीप से अच्छी क्वालिटी की जो वूल है काफ़ी अमाउंट में प्राप्त की जाती है उनको सिलेक्ट करके ही उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो करवाई जाती है। Once the reared sheep have developed a thick hair, thick growth of hair,
हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब उनकी बॉडी पे जो ग्रोथ होती है हेयर्स की बहुत ज़्यादा थिक डिवेलप हो जाती है, उसके बाद उनके हेयर्स को शेप किया जाता है, कट कर दिया जाता है एंड वूल के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे देखो प्रोसेसिंग फाइबर इनटू बोल, कि फाइबर से बोल को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसे प्रोसीड किया जाता है। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शावल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सो जो वूल है उसे नीटिंग एंड नीटिंग द स्वेटर्स एंड वीविंग शावल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये उसके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं इस लॉन्ग प्रोसेस के। तो अभी हम इनके स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, ओके स्टूडेंट्स देखो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, द फ्रेस ऑफ शेप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो शेप होती है उनके जो हेयर्स होते हैं उनकी स्किन की लेयर से, पतली लेयर से उनको बाहर निकाला जाता है, उनकी बॉडी से जो हेयर्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स, जैसे कि जैसे दाढ़ी वगैरह काटने के लिए जो होते हैं बार्बर्स होते हैं वो दाढ़ी वगैरह शेप करने के लिए मशीन्स को यूज़ करते हैं, वैसे इनके भी शेप्स के भी हेयर्स को कट करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यूजली इनके हेयर जो हैं तब इनको निकाला जाता है, तब उनको काटा जाता है। दिस इनेबल शेप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जो हेयर्स होती हैं उनकी ये प्रोटेक्टिव एक हेयर कोट होती है जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकती। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, ये हेयर जो होते हैं वही हमें वूलन फाइबर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन जान, जो वूलन के फाइबर्स होते हैं उनसे अगेन उनका वूलन का जो जान है वो धागा है, थ्रेड है, जो वो बनाया जाता है। ओके गाइस, उसके आगे देखो, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द हीट जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। मींस कि जब किसी शेप के हेयर जो हैं वो काटे जाते हैं, ठीक है, तो उसे कोई किसी भी तरह का हर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे आपके फादर जो हैं वो अपनी दाढ़ी वगैरह काटते हैं तो उन्हें भी कोई इतना हर्ट नहीं होता, ऐसे ही जब शेप्स की बॉडी में से उनके बालों को काटा जाता है तो उनको किसी भी तरह का कोई भी हर्ट नहीं होता। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है बालों को क्यों शेप किया जाता है, क्यों काटा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप क्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, मीन्स कि जैसे एक बार शीप के हेयर जो है वो काट दिए उसके बाद उनकी ग्रोथ जो होती है नए सिरे से होनी शुरू हो जाती है, जैसे हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है। तो हेयर काटने से शीप्स को कोई हर्ट नहीं होता, उनको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में उनके हेयर जो है वो कट किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपने हेयर्स कटने का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। उसके बाद में देखो स्टेप नंबर टू, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिंग। नाउ डे सिक्योरिंग इज डन बाई मशीन्स, जब उनकी स्किन से हेयर्स को रिमूव किया जाता है, रिमूव करने के बाद उनके जो हेयर्स वगैरह होते हैं इनको वॉश किया जाता है। वॉश करने से इनके हेयर्स में जैसे कोई ग्रीस वगैरह है, डस्ट है, डर्ट है, उन सभी पार्टिकल्स को बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिंग।
आजकल जो सिक्योरिंग करने की प्रोसेस है वो मशीन्स द्वारा ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में जो वूल की जो है फॉर्मेशन वो की जाती है। उसके बाद में देखो स्टेप नंबर थर्ड, आफ्टर सिक्योरिंग शॉर्टिंग इज़ डन। जब सिक्योरिंग हो जाती है उसके बाद में शॉर्टिंग की प्रोसेस जो है वो की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड, मींस कि वो हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस जगह पे उनको भेजना है, कौन सी उनसे वूल की जो फॉर्म उनसे प्रिपेयर करनी है उसके अकॉर्डिंगली उनको सेपरेट किया जाता है। स्टेप नंबर फोर, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड फर्स बर्स आर पिकल्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं वो बर्स से पिकल आउट किए जाते हैं। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, मीन्स कि जो हेयर्स हैं उनको उनके जो वर्स होते हैं उनको स्वेटर्स की फॉर्म में जो है अपीयर किया जाता है। द फाइबर्स आर सिक्योर्ड अगेन एंड ड्राइड, जो फाइबर्स होते हैं उन्हें अगेन सिक्योर किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है। This is the wool ready to be drawn into fibers. अभी जो ये wool है वो fibers में convert होने के लिए ready है। Step number fifth, the fibers can be dried in various colors. जो fiber हैं उन्हें बहुत सारे colors में dried जो है वो कर सकते हैं हम। As the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white. जैसे कि उनके जो नेचुरल हेयर्स के कलर्स होते हैं ब्लैक ब्राउन एंड वाइट, उसके अलावा भी कलर्स जो है उसमें ऐड किए जा सकते हैं। स्टेप नंबर सिक्स, द फाइबर्स आर स्ट्रेट लेंथ कम्बंड एंड रोल्ड इनटू जान्स। उसके बाद में जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है अच्छी तरह से एंड रोल डाउन किया जाता है थ्रेड की फॉर्म में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इंटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इंटू वूलन क्लोथ्स। उसके बाद में जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे वूल को बनाया जाता है फॉर स्वेटर्स के लिए, और शॉर्टर फाइबर्स को मोटा बनाया जाता है और उनसे जो वूलन के क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये फिगर्स देखो 3.8, इसमें फर्स्ट में देखो शेयरिंग ए शेप, जो शेप्स होती हैं उनके बॉडी में से हेयर्स को रिमूव किया जाता है, कट किया जाता है। उसके पार्ट बी में देखो सिक्योरिंग इन टैंक, उनके हेयर्स को वॉश किया जाता है, उनमें से ग्रीस एंड टंग डस्ट डर्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाला जाता है। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स फिगर नंबर इसके 3.8 के सी पार्ट में सिक्योरिंग बाय मशीन्स, जैसे कि आपने पार्ट बी में देखा कि उनको टैंक्स वगैरह में ह्यूमन बीइंग ही जो है वो वॉश कर रहे हैं। उसके बाद आप पार्ट सी में देखो तो ये वर्क जो है सिक्योरिंग जो है मशीन की हेल्प के साथ की जाती है। उसके बाद में इसके डी पार्ट में देखो रोलिंग इनटू जान, जो कॉटन वूल है उसको थ्रेड में जो है कन्वर्ट किया जाता है, उसकी रोलिंग जो है वो जान के रूप में कन्वर्जन जो है उसकी मशीन्स की हेल्प के साथ की जाती है। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो, जो प्रोसेस है फाइबर से वूल बनाने की उसको हम इस फ्लो चार्ट में जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहले उनकी शेयरिंग की जाती है, फिर उनकी सिक्योरिंग की जाती है, उसके बाद उनकी शॉर्टिंग की जाती है, उसके बाद उनकी क्लीनिंग की जाती है वर्स की, देन उसकी जो ड्राइनिंग प्रोसेस है वो डन की जाती है, ड्राई होने के बाद उसकी जो रोलिंग है वो की जाती है। पहले उनके बालों को उतारा जाता है, फिर उसके बाद उनको वॉश किया जाता है, फिर जिस टाइप की इंडस्ट्री में उनकी डिमांड है वहाँ पे उनको सेंट किया जाता है, देन अगेन उनकी जो वर्स की वॉशिंग है वो की जाती है कम्प्लीटली,
उसके बाद इसमें अगर कलर्स वगैरह ऐड करने तो इस प्रोसेस में किए जाते हैं। देन उनको ड्राई किया जाता है, कम्प्लीटली सुखाया जाता है एंड उसके बाद उसकी रोलिंग जो है वो की जाती है। उसके आगे स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के पेज नंबर 28 पे देखो, नेक्स्ट है हमें एक बॉक्स में एक टॉपिक दिया गया है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होता क्या है, मींस कि इसका मीनिंग होता है कितामई खतरा। मींस कि अगर आप कहीं पे कोई वर्क कर रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सीरियस डिसीज़ होने के चांसेस है, उस चीज़ को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। मींस कि वो आपका वहाँ काम करना वो भी इम्पॉर्टेंट है और आपको वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी को हो रहे हैं, जो कि आपको कोई सीरियस डिसीज़ जो है दे सकते हैं। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आर कंट्री। जो वूल इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग जो है हमारी कंट्री के वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, इसीलिए जो वूल इंडस्ट्री है बहुत सारे उन लोगों के लिए हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। But shorter's job is risky as sometimes they get infected by bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called shorter's disease। But जब वो वहाँ पर काम करते हैं काम करते टाइम वो एक बैक्टीरियम से इन्फेक्टेड भी होते हैं, उनको पूरे पूरे चांसेस होते हैं एंथ्रेक्स, जो क्या करता है उनके ब्लड में फैटल्स ब्लड डिसीज़ जो है वो कॉज कर देता है, इसको शॉर्टर डिसीज़ भी बोलते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। बहुत सारे पीपल जो हैं अपनी रोजी रोटी के लिए जैसे वूल इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, लेकिन उनको से अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ खतरा जो वो बना रहता है उस चीज़ को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक्टिविटी है 3.4, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल है। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शेप्स एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग बोल। इसमें से क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस चीज़ के बारे में डिबेट कर सकती हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पे आप डिबेट कर सकते हो कि कैसे उनके बालों को, शीप्स के बालों को जो उनको पालते हैं वो कैसे उनके बाल्स को निकालते हैं विदाउट एनी हर्ट एंड उनको कैसे वूल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आप इस पे अपने क्लासमेट्स के साथ जो है डिबेट कर सकते हो इस पे। ये स्टूडेंट्स तो हम यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो के पार्ट नंबर 3 में हम रिमेनिंग जो टॉपिक रह गए हमारे वो कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको उस पे, आपकी प्रॉब्लम पे, आपके डाउट पे अलग से वीडियो बना के आपके साथ उस प्रॉब्लम का आंसर जो है वो डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।